सो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 के बाद चैप्टर नंबर 15 वैस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ द आर्टीरियल एंड वेनस सिस्टम। तो इसमें भी हम बाकी चैप्टर्स की तरह मेन मेन बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पूरे सफ़े में तीन बातें हैं, बल्कि चार बातें हैं। एक डिस्टेंसिबिलिटी, जो कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम ओवर इंक्रीजिंग प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि कितना इंक्रीज करे वॉल्यूम उसके प्रोपोर्शनली प्रेशर कितना इंक्रीज होगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो डिस्टेंसिबिलिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, फिर है कि जो इवेंट्स हैं वो ज़्यादा डिस्टेंसिबल होते हैं, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि 64% जो है वो वेंस के अंदर होता है, तो वेंस जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंसिबल हैं। और इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं और पल्मोनरी और सिस्टेमिक आर्टरीज़ हैं, जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं उनमें प्रेशर 6 times कम होता है, इसलिए डिस्टेंसिबिलिटी 6 times ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास है कंप्लायंस। कंप्लायंस में सिर्फ होता है इंक्रीजिंग वॉल्यूम ओवर इंक्रीजिंग प्रेशर। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम ओवर इंक्रीजिंग प्रेशर जो है वो कंप्लायंस के इक्वल है, तो डिस्टेंसिबिलिटी होगी कंप्लायंस ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम को इधर ले जाएं तो डिस्टेंसिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कंप्लायंस आ गई। तो जो डिस्टेंसिबल तो हमने पढ़ा है ना 8 times ज़्यादा है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम वेंस का जो है वो 3 times ज़्यादा होता है, तो 8 multiplied by 3 जो कंप्लायंस है वेंस की वो 24 times हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसमें कोई भी खास बात नहीं लिखी। ये ग्राफ देख लें, इसमें क्या है कि सिस्टम सिंपथेटिक स्टिमुलेशन अगर होती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ये देखें, यहाँ पे सिंपथेटिक स्टिमुलेशन है ये वाली, तो ये वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल से कम है और प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह जो अगर इनहिबिशन होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। यहाँ पर ये वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन है, वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रेशर कम है, तो सिंपथेटिक इनहिबिशन है। नेक्स्ट हमारे पास है डिलेड कंप्लायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर हम इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम को तो प्रेशर भी एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स स्ट्रेच होती हैं, स्ट्रेच होकर जब वो पीछे को होती हैं, मतलब कि उनके अंदर जो वॉल्यूम को वो अकोमोडेट कर लेती हैं। पहले क्या हुआ कि हमने यहाँ ग्राफ से देखते हैं, तो पहले हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो प्रेशर भी इंक्रीज़ हो गया, उसके बाद स्मूथ मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हुई, जिसकी वजह से उन्होंने जो इंक्रीज़ वॉल्यूम को अकोमोडेट किया और प्रेशर जो है वो बैक टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल आने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह अगर वॉल्यूम जो है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाए तो फिर क्या होगा कि वो पहले स्ट्रेच हुई थी तब वो रिलैक्स हो जाएंगी, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हुआ तो प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया था, तो अब वॉल्यूम उतना ही रहेगा और प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो यह है डिलेड कंप्लायंस। और उसके बाद आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशन। ये क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 60। तो ये आर्टीरियल प्रेशर आता है तकरीबन 40, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर द आर्टीरियल कंप्लायंस। तो इन दिन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ज़्यादा होंगे तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, कंप्लायंस जितनी ज़्यादा होगी उतना अकोमोडेट कर सकेगा तो प्रेशर जो है वो कम होंगे। पल्स प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर आर्टीरियल कंप्लायंस। फिर आगे आते हैं एबनॉर्मल पल्स प्रेशर पल्सेशन, इसको हम देखते हैं। ये डायग्राम अगर देखें तो ये नॉर्मल है, ठीक है, 120/80। फिर ये आर्टीरियोसिक्लेरोसिस, इसमें क्या होता है कि वाल्व्स जो हैं वो थिक हो गए हैं, जो वाल्व्स थिक हो गए हैं तो उनमें से जब गुजरेगा ब्लड तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो इसमें आर्टीरियल सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर क्या होता है कि वाल्व्स की जो ओपनिंग है वो अगर इतनी ज़्यादा थी तो वो नैरो हो गई है। नैरो होने से क्या होगा कि इस साइड पर जो ब्लड है, इधर से जो ब्लड आ रहा है, आगे ओपनिंग ही नैरो है तो यहाँ पर ब्लड फ्लो कम होगा, तो इसलिए जो है वो प्रेशर जो है वो गिर गए हैं। नेक्स्ट है पेटन डक्टस आर्टेरियोसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ऐसे पल्मोनरी ट्रंक आता है, यहाँ के पल्मोनरी वेसल्स में कन्वर्ट डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे एओर्टा होता है, तो जो पल्मोनरी ट्रंक है और एओर्टा इन दोनों में कनेक्शन होता है, तो ये जो होता है इसलिए होता है ताकि लंग्स की तरफ तो ब्लड जाना नहीं है तो लंग्स को बाईपास कर सकें। ये फीटल लाइफ में होता है, लेकिन बर्थ के बाद जो ये कनेक्शन है ये ख़त्म हो जाता है, एओर्टा आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और जो पल्मोनरी ट्रंक है वो लंग्स की तरफ जाता है।
लेकिन अगर केसेस में ये जो है वो ओपनिंग परसिस्ट कर जाए तो इनकी क्लोज ना हो तो क्या होगा कि एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा होता है, पल्मोनरी ट्रंक में प्रेशर कम होता है, तो एओर्टा से प्रेशर जो है वो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर आता जाएगा ओपनिंग की वजह से, इसकी वजह से जो है डायस्टोलिक प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा और जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि भी ज़्यादा से ज़्यादा उधर पंपिंग होगी। फिर एओर्टिक रिकर्गिटेशन में क्या होता है कि वाल्व्स जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं या वाल्व्स होते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिकर्गिटेशन यानी बैकवर्ड फ्लो होता है ब्लड का और इंसिनियोरिया भी कोई नहीं बनता और इसलिए डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों प्रेशर जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसमें बस इतनी सी बात है कि कंप्लायंस इन्वर्स होती है वेलोसिटी के, वेलोसिटी कम है तो कंप्लायंस ज़्यादा है। 3 to 5 mm/s जो है वो एओर्टा में, 7 to 10 लार्ज आर्टरीज में और 15 to 35 जो है वो स्मॉल आर्टरीज में, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो कंप्लायंस कम हो रही है। आगे है डैम्पिंग। डैम्पिंग होता है प्रोग्रेसिव डायमिनेशन ऑफ द पल्सेशंस इन द पेरिफ्री, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिर पल्सेशंस जो हैं वो कम होती जा रही हैं कैपिलरीज में, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं, तो इस प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं। ये डिपेंड करती है कंप्लायंस और रेजिस्टेंस पे, कंप्लायंस ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा तो डैम्पिंग ज़्यादा। फिर ये जो आगे ऑस्कल्टेटरी मेथड है, ये मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल के नाम से, तो ये यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे ये जो है ऑस्पी के लिहाज से प्रैक्टिकल के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस सारे को जो है उस वीडियो में मैंने सारा जो है वो परफॉर्म करके बताया हुआ है, या आप वहाँ से देख लें। फिर यहाँ पे आता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है कि एवरेज प्रेशर ऑफ द एवरेज ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर मेजर्ड मिली सेकेंड में मिली सेकेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हमने जो कार्डिक साइकिल पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था जो डायस्टोल है वो 0.5 सेकंड्स और सिस्टोल 0.3 सेकंड होता है, टोटल 0.8 सेकंड है ना, तो इसका ज़्यादा पार्ट है इसका कम पार्ट है, तो हमने आर्टीरियल प्रेशर तो हमने पढ़ा था ना एवरेज ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर, तो हम 50-50 एवरेज नहीं लेंगे, तो ये 2/3 लेंगे और ये 1/3 लेंगे। इसके दो फार्मूलाज हैं 2/3 डायस्टोलिक और 1/3 सिस्टोलिक, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। फिर आगे वेन्स और उनके फंक्शंस हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बता देती हूँ। थैंक यू।